मैंने अरफा के कपड़े पहने, अरफा मुझे फ्री का खाना खिलाने लेके आई, मुफ्त के खाने का अलग ही टेस्ट। जूतियाँ मैं तुझे निकालेंगे। आइया को अपने घर लाई थी लेकिन कुछ दूर मम्मा आप ही मेरी दोस्त है। आज का व्लॉग ये है कि आज मैं जा रही हूँ आयशा के साथ आज टाइटो कैफे का, मुझे इन्विटेशन था तो आयशा है हमारे साथ एज यूजुअल और आयशा जा रही है टाइटो कैफे। पहले हम यूनिवर्सिटी थे, हम यूनिवर्सिटी से क्लासेस ली और जल्दी से हम निकले क्लासेस लेके और अब डायरेक्ट हम जाएंगे टाइटो और देखते हैं कि उनका खाना कैसा है और आपसे उनके काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह शेयर करेंगे आज और सारा आपको टाइटो घुमाएंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं और ऑर्डर वगैरह हमने कर दिए, तो आयशा जो है वो कुछ एस्थेटिक शॉट्स का मैंने उसको कहा तो वो कर रही है। मैंने कहा तुम बना लो, आयशा काफ़ी अच्छी बनाती है, वीडियोग्राफी करती है, सो मैंने उसको कहा है कि तुम कर लो। बाकी ऑर्डर वगैरह किया है, आपको दिखाते हैं ऑर्डर आज और आ गई है। और आयशा आज बताएगी कि अरफा उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही है। जी आयशा आज मुझे पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है, मुझे मैंने अरफा के कपड़े पहने, अरफा मुझे फ्री का खाना खिलाने लेके आई है जो कि मुझे अरफा खिला रही है। तो बस ऐसी दोस्त सबकी होनी चाहिए ना। और ये बस इसीलिए मेरी दोस्त है कि मैं इसको फ्री का खिला रही हूँ। सो गाइज हमारा खाना सर्व हो चुका है। सबसे पहले ये हमने एक चिली चिकन ट्राई करना है आज, और ये सिजलर था बट अब काफ़ी देर हो चुके हैं। और सेकंड वी हैव स्टेक, चिकन स्टेक, और ये हमने एपेटाइज़र में ऑर्डर किया है। और आयशा ने आज बहुत मेरे लिए इतना आसान काम किया, सारी वीडियोस आयशा ने बनाई है। मैं सिर्फ आज बैठी हुई थी इसलिए उनको चाहिए आयशा को बुलाएं, मुझे ना बुलाएं, मैं सिर्फ एडिटिंग करूँगी और आयशा वीडियोज़ बनाई हैं, सारे क्लिक्स जो हैं वो आयशा ने किए हैं। बस अब हमारी वीडियोस वगैरह हो गई हैं और अब खाते हैं। ये सारी वीडियो थी आयशा ने, अब भी हम कुछ और वीडियोस बना लें और फिर हम खाते हैं खाना और फिर बताती हूँ कि खाना कैसा है। चिली जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, आयशा ने कहा ये ऑर्डर करते हैं, तो अब देखते हैं कि खा कर कैसा लगता है। और दूसरा स्टेक तो हम खाते रहते हैं बट मुझे चिली जो है वो कैसी होगी। खाना वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन हम एक सोच में पड़ गए हैं, समझ नहीं आ रही कि हमने खाना कैसे, अभी से ही मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं आयशा को लाई हूँ साथ। आयशा ने कहा बहुत आराम से खाएंगे और हम एक जगह पे जाते हैं ना, हम 2-3 घंटे वहाँ पे खाना खाने में गुजार देते हैं, मतलब आराम से खाओ। अगर एकदम हम खाने की जल्दी करते हैं ना तो पेट आपको बहुत जल्दी भर जाता है, इसलिए एक ट्रिक दे रही हूँ, मेरी ट्रिक है आराम से खाओ। अभी हम एपेटाइजर्स ही 2-3 घंटे लगा के खाएंगे, इतना अच्छा फूड है ना, मैंने ट्राई कर लिया तो बहुत मज़ा आ रहा है, बाकी आप भी आएँ और ट्राई करें। ओके तो भी हमारा थोड़ा बहुत खाना पड़ा है लेकिन आपसे कहा है आराम से खाएं। वैसे आप इसकी बात है इरफा, मुफ्त के खाने का अलग ही टेस्ट होता है, इसलिए हमारे दोस्त बार बार हमें कहते हैं कि हमें ट्रीट दे दो, कुछ खिला दो। ये मुफ्त के खाने की वजह से किसी मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ, आयशा को यकीन नहीं आता, मैं कहती नहीं आयशा नहीं, कहती नहीं नहीं सादा थोड़ी देंगे, सादा थोड़ी देंगे, लेकिन नहीं उन्होंने सारा हमें दिया। खा खा के थक गई हूँ, आयशा मुझसे इतनी स्क्रिप्टेड वीडियोस बनवा रही है ना। अच्छा तो आप लोगों को एक बात बताऊँ, आयशा और मैं थे लेकिन हमने माशाल्लाह से देख के फिनिश, बस ये थोड़ा सा रह गया, आयशा ने अपना चिली ड्राई रैप, हमने थोड़ा सा रैप नहीं है टोर्टीला, क्या है रैप, टोर्टीला रैप ही है, लेकिन उसके अंदर फिलअप नहीं था, उसको हमने खाना था इसके चिली चिकन के साथ। तो बहरहाल बस ये थोड़ा सा ये रह गया जी, अब हिम्मत करके कोई खा ले। मैंने ना स्पाइसी के चक्कर में मंगवाया फजीता चिकन और इसके बाद भी ये आयशा ने बोला नहीं नहीं ये चिकन मंगवाते हैं, फुल स्पाइसी ग्रिल चिकन था, लेकिन आयशा अब बेचारी मिर्चों में तड़प रही है कि मैंने क्यों मंगवा लिया। अच्छा तो हमने वीडियोस वगैरह कवर करनी थी, हम ऊपर आ गए लेकिन ऊपर वीडियोस वगैरह हमने कवर अप कर ली हैं। आयशा क्या कह रही है, आप आयशा की सुन ली, मेरा दिल है वो इससे पैसे मांगे,
कह रही है मेरा दिल है कि वो तुझसे पैसे मांगे या तू उससे जाके कह के मैं किसी के एहसान नहीं लेती हूँ पैसे, मैं कहा तो आप दे दें, आपके पास तो कार्ड भी है आप दे दें। मुझे लग रहा कार्ड कहीं ना कहीं तो निकलेगा आज। पागल है, मैंने कहा था ना पहले व्लॉग में, मैं कह चुकी थी कि ये पागल है, तो ये पागल है, कह रही है जाके अल्लाह करे वो तुझसे पैसे मांग ले। वीडियोस वगैरह हमने कवर कर ली हैं, आयशा की पिक्चर्स ही आज ख़त्म हो रही, आज कोई मैं कहती हूँ जबकि मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ ना, ये दूसरी बार वाक्य हुआ है कि आयशा ने पिक्चर्स ले, वरना आयशा पिक्चर्स नहीं लेती। अकाउंट पब्लिक किया ना? नहीं पब्लिक नहीं किया, आप बताएं कि आप मेरी शर्ट पर इतनी वो लग रही हूँ खूबसूरत, इसकी शर्ट पहनी है, बस मेरी शर्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि आयशा ने कहा पिक्चर्स लेने चले नीचे। ओके बस अब हम चलते हैं, सारा वाइंड अप हो गया, वीडियोस वगैरह सब कुछ बन गया, अब बस मैं अपने घर की उबर करवाऊंगी, घर आयशा थोड़ी देर मेरे घर स्पेंड करेगी। क्या कह रही हो? मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाला, मेरे बाबा आए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इतनी ये नाटक जैसे कहते हैं ना, नौटंकी नौटंकी औरत ये वो है, थोड़ा सा खाना भी पैक कर। क्या कह रही प्लीज़ अब हम जाने वाले, मैंने ऊपर करवा दिया, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही कि उनसे पैसे मांगे, कार्ड ये पागल हो गई है। आयशा मुझे ना मुफ्ते की खाने की आदत नहीं है, मेरे तो किडनियाँ बेच के मेरे दोस्त खा जाए। मुझे आयशा को रहा कि वो पैसे क्यों नहीं मांग रहे हमसे, बस उबर करवा लिया, उबर का वेट कर रहे हैं, उबर आ जाए जल्दी से। माँ की प्यारी पिक्चर ली है, पिक्चर्स बहुत अच्छी मैं लेती, लेकिन ये अल्लाह ताला मतलब तुझे वो इस मतलब अगर वो हो ना फिल्म मेकिंग और वो कैमरा मैन वाले उस साइड पे तो कभी ना जाएं, जूतियाँ मैं तुझे निकाल लेंगे जब तुम गंदी तस्वीरें लेती है, इसकी अच्छी नहीं ना लेती फिर इसलिए इसको इशू है। तो कुछ भी नहीं अच्छा लेती, अच्छी जो एस्थेटिक चीज़ें होंगी ना इसके अकाउंट पर सारी मैंने ली होंगी, सारी मैंने या पड़ी मिट्टी का नूत ने, ये कभी भी कुछ अच्छा लेंगे। आयशा मैं घर आ चुके हैं, दरवाजा कोई खोल नहीं रहा, मेरे को ऐसे खोलना, फिर का दरवाजा, दरवाजा भी है। मम्मा अब्दुल्ला पड़ी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, कनूत मानी अल्लाह की कसम कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, तू बुद्धे मेरे घर ला जा। आयशा को अपने घर लाई थी लेकिन कोई दरवाजा खोलो प्लीज, कब का दरवाजा खटका था। इतनी हाँ, और मैंने ब्लॉग में सारा किया है, मैं जब हमारे कानून पड़ी मिट्टी दरवाजा खोल तो रानी को मार देने रह गए, आप ही मेरी दोस्त है। तुम भी मिल लो, सब आयशा से मिले हैं, तुम भी आ जाओ मिल लो, अभी मिल लो, फिर मिल लो, फिर मिल लो, ऐसे नहीं कहना, सलामकुम आओ ना पास आके मिलो। जो है मिट्टी बोतल लेके आई है स्पेशल, दो बोतल दो उससे, बोतल पिए, कनूत भी आ गई आयशा से मिलने, आ जाओ टाइटो का खाना इतना बरकत वाला था कि हम घर भी लेके और मानी तक पहुंच के और मानी खा रहे, मानी भुखा नहीं सोएगा आज, पर बाजवा हमेशा कहता है मानी भुखा सोएगा, नहीं बाजवा कहता है मानी आज भुखा सोया होने लगता है। मिठी वो बैठने वाले थीम का क्या सीन है, वो कह रही थी, ये कह रही थी मेरा वैसे करेगी, मुझे इस पे यकीन नहीं है कि कुत्ते के साथ मेरा निकाह करवा दिया इसने। आयशा को दिखा रहे हैं हमारे घर के इस टाइम के हालात, दिखा रही हूँ ये गंदम, जहाँ आयशा को कनक दिखाई है सोच रही हूँ एक और घर की चीज दिखाऊं, खोलो
फरदीन और अब्दुल्ला अपने रूम में लॉक लगाते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी प्राइवेसी है। एक मिनट खोलना, छिपकली दिखानी है आयशा, ये देखो। और आगे हो के देखो, ये फरदीन ने इसको मार दिया। ये फरदीन ने देखा था, ये ले क्या। आयशा जा रही है अब घर, आयशा को अलविदा करने जा रही हूँ नीचे। आयशा ने, आयशा को रात तक 7 बजे याद है कि उसने तो अपने बाबा के साथ कहीं जाना था पूरा टाइम। हाँ जी, आयशा जा रही है, आयशा को बाय करते हैं। आयशा की उबर आ चुकी है। ओके, कैसा लगा आपको मेरे घर? बहुत बहुत अच्छा, मैं तो ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती। मेरे घर में 100 लोग होते हैं, टीचर जगा दी। चलो ओके बाय, लोग मिलते हैं, कपड़ों वगैरह डिसाइड करेंगे। ओके अल्लाफ़। सो गाइज, बस यहीं पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ 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 अगर व्लॉग देखते हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी किया करें, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह अब ऐसे ही व्लॉग आते रहा करेंगे। तो बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मुलाकात हो नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।